NIOS के द्वारा डिप्लोमा करने के लिए वो इस पृष्ठभूमि में था कि RTE जब आया तो उस समय कई शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे और RTE में क्वालिटी एजुकेशन भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है RTE का। तो उसमें यह हुआ कि वैसे टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, उनको उनकी गुणवत्ता में लाने के लिए, उनको उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये DLED की व्यवस्था, जिसमें कि 6 महीने कम, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन DLED की व्यवस्था की गई, जो NIOS के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो पूर्व से जो कार्यरत टीचर्स थे उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोई एकदम नया नया कोई टीचर आ रहा है पहले उसी कारण से ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बात नहीं थी। नए अभ्यर्थी के लिए नहीं था, जो पहले से जो अनुभवी जो टीचर चले आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश निकला हुआ है उसमें उन्होंने उनके द्वारा एक डेट भी दिया हुआ है, शायद 2017 10/8/2017 के उसके पूर्व जो कार्यरत थे उन्हीं का NIOS के द्वारा DLED जो था है वो वैलिड माना जाएगा, उसके बाद का नहीं। उसमें सब है। तो वैसे को आप भी ले रहे हैं एग्जाम? बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा। हमारे एडमिट कार्ड में जो नोटिस ही निकला हुआ है उसमें लिखला हुआ है वैसे नोटिस हम डाले उसमें, और उसमें एडमिट कार्ड में, चूंकि हम, मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई आवेदन देता है तो उसको एडमिट कार्ड भी मिलना चाहिए, और जिसको एडमिट कार्ड मिलता है उसको एग्जाम देने की भी अनुमति होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं तो, वैसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करके BEd वर्सेस BTC में अगर फर्जीवाड़ा करके आए हैं, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे फर्जीवाड़ा से। देखिए, एक भी एक हमारा जो कानून की जो व्यवस्था है उसमें हम सबको निर्दोष मानते हैं जब तक कि वो निर्विवाद रूप से दोषी नहीं प्रमाणित हो जाता है। तो हम तो अभी उसको प्रथम दृष्टया हम उसको सही मानेंगे। अगर वो लिख कर दे देता है, अंडरटेकिंग दे देता है, जैसे हम लोग एडमिट कार्ड में अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि वो NIOS का DLED जो है उसका विधिवत रूप से है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वो वैध है, यह अंडरटेकिंग लेने के बाद देता है, उसके बाद ही वो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगर उसने गलत अपना अंडरटेकिंग दे दिया तो उसने गलत दिया है, और अभी हम उस पर नहीं, उसको उसका अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हम नहीं अभी कर रहे हैं, अभी हम उसको अलाउ करेंगे अपीयर होने के लिए। लेकिन कालांतर में वो फंसेगा, अगर उसने गलत दिया है तो कालांतर में फंसेगा। चोर तब तक चोर है जब तक पकड़ा जाता है, तभी वो चोर है, अदरवाइज चोर नहीं है वो। अगर वो प्रमाणित हो जाएगा तभी ना आप कहेंगे कि फर्जी है वो, आप अपनी आशंका से ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो फर्जी है। जब प्रमाणित हो जाएगा तो फर्जी है, जब प्रमाणित हो ही गया, जब प्रमाणित हो गया तो पकड़ा जाएगा वो, सीधी सी बात है। आपके ऐसे ही कहने से कि वो गलत है नहीं ना हो सकता है। इस बार अभी उसकी व्यवस्था में थोड़ी हम लोगों को अभी कमी नजर आ रही थी, अभी इस बार हम लोग अभी नहीं उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में उसका बिल्कुल उपयोग होगा, क्योंकि सारे मेंस की परीक्षाएं या जो छोटी मोटी परीक्षाएं, जो कि 15,000 अभी उसकी कैपेसिटी है, अभी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन पोजिशन नहीं है, जब हो जाएगा तो बिल्कुल उसमें होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग यहीं पर मतलब 2400 घंटा काम करें